Hello guys, I'm Jamie. This is my mom. Today we are gonna visit Dam. Let's get started. Thanks for watching. Like, subscribe and share. Happy Halloween. Bye bye. Tata. Have a good day. And why did you wear jacket today? And I wear jacket because of this. That's 5 degree temperature. And it's getting cold. So we are waiting for bus. The bus will come and we will go by bus. तो ये बस आ चुकी है, अब हम बस में बैठेंगे। और ये बस 6 एवेन्यू पे आती है, 66 नंबर की बस डायरेक्ट वहीं पे उतारती है। स्टॉप पे एक ही बस लेनी पड़ती है, उसके बाद 1 किलोमीटर की वॉक है समथिंग, तो वहाँ से वॉक करके हम जाएंगे। तो ये बस में बैठने के बाद बाहर के व्यूज़ हैं, आप देखिए। तो हम ये ग्लैमोर एरिया में आ गए हैं। ये रेसिडेंशियल एरिया है, ये लोगों के घर है। सो ग्लैमोर्गन एक एरिया है और वहाँ पे जो नदी पे जो डैम बना हुआ है वो रिजर्वायर, तो वो डैम पे हम घूमने जा रहे हैं। तो पूरा दिन घूमने के लिए अच्छी जगह है, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाएँ तो पिकनिक भी बना सकते हैं। तो ये बस पूरी खाली हो गई है, अभी कोई नहीं है बस में, तो मैंने सोचा बस का व्यू दिखा देती हूँ। छोटी बस है। सो अभी हम बस स्टॉप से उतर रहे हैं, अब है 10 मिनट की वॉक, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे रिजर्वायर। सो ये बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है, लोग गोल्फ खेल रहे हैं इधर। They are enjoying their weekend. So, हम ये लेक विलेज के पास आ गए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर का ही रास्ता है। सो अब हम यहाँ से ग्लैमोर्गन पार्क जाएंगे, जो बहुत बड़ा ही गार्डन एरिया है। यहाँ पे लोग साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं, बहुत अच्छा एरिया है ये। बहुत प्यारा व्यू दिखता है यहाँ से डैम का। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत गहरा पानी है और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। हाय। सो अब हम डैम की तरफ नीचे जा रहे हैं। सो ये बोर्ड है जिस पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आप कैसे जा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे से देखते हैं कैसा व्यू दिखता है।
तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बोट्स भी मिलती है रेंट से, आप रेंट से बोट ले सकते हैं अगर आपको बोटिंग करने का शौक हो तो। ये एरिया मई जून में खुल जाता है और अक्टूबर एंड में बंद हो जाता है स्नो के कारण। तो देखिए हम पहुँच गए हैं। हम अभी अक्टूबर में गए हैं इसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, कुछ लोग भी बोट कर रहे हैं, वरना यहाँ पे क्रूज़ वगैरह भी चलता है और अच्छी बोटिंग होती है। सो यहाँ पे ये पाथवे बना हुआ है जहाँ से आप पास में जाकर देख सकते हैं। सो ये डैम है बेसिकली, पानी से भरा हुआ डैम है। फिशेस दिख रहे हैं क्या? फिशेस उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।